मन मुख लागे दूजे पाए, ए वेला फिर हाथ न आवे, पग खिसिए पछताएंदा। एक कित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजे पाए, ए वेला फिर हाथ न आवे, पग खिसिए पछताएंदा। एक कित आए, कित आए पाओ किस लिए आए, क्यों जन्म होया, जन्म गवाए, व्यर्थ जन्म गवाई जा रहे हैं। कित आए, क्यों आए सी, की परपस सी। एक कित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजे पाए, अपने मन दे आधार ते चलन वाले। मन नीवा मत उच्ची, असी अरदास रोजाना करते हैं कि मत उच्ची हो जाए और मन नीवा हो जाए। असल विच होंदा की है, मन दे वस विच साडी मत आ जांदी है, साडी साडे मन दे विचारां दे, इंज कह लईए विकारां वाले विचारां दे आधार ते बुद्ध जिहड़ी है साडी शरीर नूं कंट्रोल करन लग पैंदी है। ते उस वक्त जिहड़ा है सानू विकारां विच साडे शरीर नूं पाई जांदी है। एक कित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजे पाए। दूजे द्वैत भाव विच, मैं मेरी वाली भावना विच, मेरी तेरी, मेर तेरे दे झगड़िया विच, ऐ मेरा ते ऐ तेरा, ऐसी झगड़िया विच पे रहिंदे हन। ए वेला फिर हाथ न आवे, पग खिसिए पछताएंदा। ए वेला फिर हाथ न आवे, कहिंदे ने वेला फिर हाथ नहीं आउणा। देखो असी अक्सर ऐ वेला, इस वेले नूं असी पूरा संपूर्ण मनुखा जन्म तक असी लै जांदे आ, ऐ वेला फिर हाथ ना आवे, ऐ वेला समझना करिए ना, ऐ पल जिहड़ा आया सीगा ऐ चला गया, हुण दुबारा हाथे च नहीं आना, ऐ पल बीत गया, ऐ जिहड़ा हुण पल आया ना ऐ भी बीत गया, ऐ फिर हाथे च नहीं आना। साडी जिंदगी विच साडी जिंदगी है कि ऐ एक एक पल दा इकट्ठ है, एक एक सैकेंड दा इकट्ठ है, हर सैकेंड दा इकट्ठ ही साडी जिंदगी है। ऐ एक एक सैकेंड करके, एक एक पल करके साडी जिंदगी व्यतीत होंदी जा रही है। ऐ जिहड़ी जा रही है दोबारा हाथे च नहीं आनी। हुण इस पल विच असी की कीता है, उसी मुताबक सानू सुख ते दुखां दी प्राप्ति हो रही है। मैं केड़े बोल बोले हैं, उन्हें मेरे मुंह तो कोई अपशब्द कोई भैड़े बोल निकल जान, मैं अंदरों भी परेशान हो जावांगा ते बाहरों भी गल्लां सुननिया पैन गया, दोनों पासे मेरा अंदरला भी खिंडर जाएगा, बाहरला भी खिंडर जाएगा। ते उस पल विच असी की करदे आ, ओह साडी जिंदगी दे आने वाले पलों का साडा निर्णय करती है। ते गुरु साहब कह रहे हैं, ए वेला फिर हाथ ना आवे, ऐ पल फिर हाथ च नहीं आना, ऐ वेला फिर हाथ ना आवे, पग खिसिए पछताएंदा। हुण जे निर्णय गलत कर लिया, पग खिसिए गलत निर्णय कर लिया, पग खिसिए तो अगर अखरी अर्थ लईए पैर ते लग गया, किधरे किचड़ विच ते लग गया, किचड़ विच असी गिर जांदे आ, गंदगी नाल भर जांदे आ। जे गलत निर्णय लै लिया, पग खिसिए पग खिसक गया, ते अंदर जिहड़ा साडा इंज समझिए कि साढ़े अंदर बार जिहड़े असी दुख सारने पैंदे आ, फिर सानू पछताउणा पैंदा। साडी जिंदे दोष ना दिओ किसे, दोष कर्मा अपणिआ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। इस पल दा साडा कीता होया निर्णा अगले आन वाले परले पलां विच साडे सुख ते दुख दा फैसला करदा, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਅੱਗੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਲ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਖਮਈ ਹੋਣ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਣ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀਕੈਂਸੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ ਇਹ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਤ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਖ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਆਏ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ ਕੱਲ ਉਦੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਅਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਵੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੀਡ ਗੋਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਤ, ਉਦੋਂ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਇਸ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਵਟ ਐਵਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕਰੋਪ ਦੇ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਬੀਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਮੌਕਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਐਨਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਕੱਪੀ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਕਿਤੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰ, ਤੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੋਨ ਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਭਨੇ ਹਾਰੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ ਜੁਨੀ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ ਅਪਰਾਧੀ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਆਨਾ ਨਾ ਆਨਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤ ਕਤੇ ਆਏ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਲਾਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਜਾਈ ਜੋ ਬਾਲੂ ਕਰ। ਵੀ ਰੇਤ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ, ਬਸ ਉਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਜਾਈ, ਉਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਵਿਧ ਕਰਮ ਕਰੇ ਭਾਏ ਦੂਜੇ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਰਾਨੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਹੀ ਸੋ ਗਾਹਣ ਲਾਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੋ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਣੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਏ ਜਪੋਰੇ ਕਾਏ ਬਿਲੋ, ਕਾਏ ਜਪੋਰੇ ਕਾਏ ਤਪੋਰੇ ਕਾਏ ਬਿਲੋ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਲੱਖ 84 ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਨਿਰਵਾਣੀ, ਕਾਏ ਕਮੰਡਲ ਕਾਪੜੀ ਆਰੇ 68 ਕਾਹੇ ਫਿਰ ਆਈ।
बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाह के पाई। ऐसे कर्म जड़ा बड़ा कहते हैं बहुत कर्म करे पाए दूजे, नाम दे नाल प्यार नहीं है, दूजी चीजा का प्यार, संसार का डर, संसार का भय, अपनी संसारिक पद इज्जत सारा ओदे अंदर बंदा काम करता पे। कहते मनमुख भगत करे बिन सतगुरु, वो जे धार्मिक कर्म भी करता पे तो धार्मिक कर्म भी कि कहें कि जो अस कहने भी अच्छा जी गुरुद्वारा साहब साढ़े घर विआह है अखंड पाठ रखवाने पे, साढ़े घर कोई मौत हो गई अखंड पाठ रखवाने पे, पाठी उत्थे पढ़ी जाते पे ने, असीं उन्हां दे लंगर का प्रबंध करने पे, असीं फिर फोन करने पे बंदियां नूं आओ जी साढ़े घर जी विआह है उहदा उत्थे निमित पाठ रख्या होया है। अच्छा फिर उत्थे मैं तो बड़ा हैरान मतो अच्छा कि परिवार ने रख्या होया सिलेक्टेड बंदियां नूं, अच्छा गुरुद्वारे तो उन्होंने बुलाया है 20 बंदियां नूं, उन्होंने नाश्ता भी बंद उस लगाते पेने तो बाकी संगत में बोलो असं किस लेवल असि जो बाकी बंदा आंदा पे ही इज नॉट इवन इनवाइटेड टू दैट जो उन्हें बार आडंबर किया हो असि करी जाने पे हूँ। अच्छा कहना गुरु ए तेरे जीवन चो दूजा भाव जा सकता है, कहना गुर के शब्द भाव दूजा जाए, गुरु के शब्द के नाल जो तेन गुरमत की अगवाई मिल जाएगी ना फिर तेरे जीवन चो केवल ते केवल वो एक एक वास्ते प्यार रह जाएगा। कहना ये वेला फिर हथ ना आवे, ए मौका जड़ा है ना बड़े गुरु जी नूं कह रहे ने भी वड्डे भाग शरीर पाया, कहना फिर यह अवसर चरे ना हाथ भी तेन एक बार मौका मिलिया सी तेनों हाँ कौन बनेगा करोड़पति जान का मौका मिले पढ़ ही लेंदा यार कुछ एक महीना पहला जो वट एवर जो उनका सिस्टम रहेगा कुछ थोड़ा तो पढ़ जाता घट्टो घट, कहना फिर यह अवसर चरे ना हाथ ऐ तो ने ए वेला फिर हाथ ना आवे, ए वेला ना लैसे मुड़े फिर तू जम के वस पया, अब के कहिए नाम ना मिले उन सोह जीड़े तू सोह जीड़े भारी जी, अवसर मिलिया सी ना इनू तू इनकैश नहीं कर पाया, तू एवें आया भी ते चले भी गया बिना किसी कमाई दे, कहिंदे ए वेला फिर हाथ ना आवे एक पग खिसिया पछताएं दा, तेरा मौका खत्म जाएगा ना फिर तेरे हाथ केवल दे केवल जड़ा ना वो कहते मन मेरे भूले कपट ना कीजे, अंत निबेरा तेरे जी पैली तू एवें अपना मिलिया गुरु तेनू शायद एक तेरी तेरे को कितनी वड्डी अपॉर्चुनिटी है ना जिदे विच तू करना की पै काच बादरे लाल कोई है, तू काच बिहाजन कंचन छादन, सानू शायद साडी अपॉर्चुनिटी की वैल्यू कितनी है ना सानू वो नहीं पता लग रहा, वो कहते अंधे बस मानक पया घर घर बेचन जाए, सानू इतनी कीमती अपॉर्चुनिटी जो मनुखा दे वाली मिली है असी उन्हों वो कितनी कितनी इनवैल्यूएबल है, हाँ वो हो सकती और वो हो सकता है कि अंदर तो जो ना भी इन पूरा वेस्ट भी करके चले जाए, अमूल आया अमूल आवे अमूल ले जाए भी हो सकता है और अदरवाइज यह भी हो सकता है भी कांच बादरे लाल कोई है, तू काया मैं रुलदी देखी ए काया कंचन भी हो सकती। हाँ जी बेटी धन्यवाद वीर जी, बहुत सोहने विचार आप जी ने रखे, गुरबाणी के उदाहरण दे के आप जी जो समझाना करते हो बहुत खूबसूरती समझाते, जो आप जी गुरबाणी के कोट करते हो तो उस भी गल क्लीयर हो जाती है, दृढ़ता भी आती है। धन्यवाद आप जी का। आप जी ने किसान का भी जिक्र किया, जरा टाइम का जिक्र आप जी कर रहे सो बिलकुल बहुत सोहना, वो भी गुरु साहब भी उदाहरण देंगे बार बार सानू बार बार किसानी का भी उदाहरण दे के करते हैं, किसानों नूं ये कैलकुलेशन होती है कि बारिश किन्ने समय बाद आनी है, क्योंकि बीज बोए जे समय तो पहला पानी मिल जाए तो वह बीज सड़ जाता है, जे समय तो बाद पानी मिले तो फसल सुक जाती है, तो किसानों नूं ये पता होता किन्ने समय बाद बारिश आनी है तो उस समय के मुताबिक वो फसल नूं बोंदे बीज नूं बोंदे। धन्यवाद आप जी का। जी इकबाल वीर जी। जी एक कित आए जन्म गवाए, एक कई एक दा बहुवचन है, सियारी लगन दे नाल कई बन जांदा है, कई जिहड़े हैगे इस संसार दे विच कित आए क्यों आए आ, कईआं नूं इह अपने आए आउण दे मनोरथ ही नहीं पता वी संसार दे विच असीं आए हां ते क्यों आए हां, उस करके वह जन्म गवाए अपना जिहड़ा जन्म है वह गवा लैंदे हैं, क्योंकि जिहड़ा जन्म है सतगुर के जन्म गवन मिटाया
वह सफला हो जाता है बिना सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े। सतगुर तो बिना जो सिमरते हैं सेमते हैं वो जमण मरना नहीं उन्होंने मुकता, भाव वह जमदे तो मरते ही रेंदे हैं। हुण एक किता है जिहड़े नाम तो सखणे हन उन्हां दा इस संसार दे विच सवालिया निशान है, इन्हां दा आण दा की फायदा है, किते आए हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जन्म गवा लिया है, जन्म गवाए नाम दे नाल जुड़िया नहीं है, सतगुरु नूं सेविया नहीं है, कीता की मनमुख लागे मन दे मगर लग गए भाई, मन की मन केड़े भाव च जांदा दूजे भाए दूसरे दे प्रेम दे विच दी। जे तो सतगुरु के जन्मे मन चलदा ते अपना आया सफल बना लेना सी, हुण जिहड़ा मन है वह अपनी मत दे मगर मन मुख अपने मुख दे मगर लग के अपनी विचारधारा दे मन की विचारधारा दे मन जिहड़ा लग के जुड़ के दूजे भाए दूजे दे प्रेम दूजे दे ख्याल दे विच दूजे दी याद दे विच जदों जुड़दा एक एक छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा डुब जाते हैं जो एक छोड़ते हैं, एक दी याद छड़ के दूसरे दी अपनी याद विच लिप्त हो जाते हैं और डुब जाते हैं। मनमुख ला के दूजे भाई जेडे मन की मत मगर लगन वाले दूजे भाव प्रेम करने वाले जेडे लोग हैं उन्होंने किता संसार उन्होंने इस संसार दे विच आना व्यर्थ है, क्योंकि गुरु बाणी ने कहा है भई प्राप्त मानुख देवरिया, ये तेन मौका मिले भाई एकमिक होने का, एक दे नाल एकमिक होने का, एक दे नाल रतन का जुड़न का लीन होने का। मनमुख लागे दूजे भाए जेडे मन की मत मगर लगन वाले जेडे जीव हैं दूजा प्रेमा वे दूजे दे प्रेम विच एक छड़ के दूजे नाल जुड़दे हैं वो इस संसार विच उन्हां दा आना जिहड़ा हैगा वो निष्फल है, वह अपना जन्म जिहड़ा गवा लैंदे हन। ये वेला फिर हाथ ना आवे क्योंकि समा मिलिया है, मनुखा देही मिली है सफला करन वास्ते, भई प्राप्त मानुख देहुरी है गोविंद मिलन की ए तेरी बरी है, तेनों बरी मिली है बारी मिली है मौका मिलिया वेला मिलिया, ये वेला फिर हाथ ना आवे भाई जदों मन की मत मगर लगूंगा फिर तेरे हाथ ये जिहड़ा समा नहीं आना है, ये तू गवा लवेंगा, पग खिसै पछताएंगा, पग खिसै भाव जिहड़ा तेरा जिहड़ा पैर है जीवन रूपी पैर है वह जदों डोल जाना है डग घुमा जाना है फिर अंत वेला तेरा आ जाना है फिर की होवेगा पछताएंगा रूपे पछतावेंगा, क्योंकि जदों वेला वक्त विचारीए जे वेले की गल हो समय अपने जीवन दे विच उसका लाहा लेना ले लेना ही जिहड़ी गुरमुखताई है, भाव के समा एक भी पल जिहड़ा है सच्चे दे नाम तो वांझा नहीं रहना चाहिए, एक भी पल जिहड़ा है एक दी जात तो बिना नहीं जीना चाहिए, एक भी पल गवाना नहीं चाहिए, इसलिए ये वेला फिर हाथ ना आवे भाई तेनू मनुखा दे ही मिली है ये बार बार नहीं मिलनी मुड़ के तेनू ये जीवन नहीं मिलना, तेरा जिहड़ा इत्थे आया हैगा वो अजाई चले जाना, तेरा जिहड़ा पग खिस है तेरी जिहड़ी उम्र है वह बीतदी चले जानी है, तेरा पैर है डग मग हो जाना हैगा भाव के तू डोल जाना हैगा, तेरा जीवन का अंत जिहड़ा हैगा वो नेड़े आ जाना, फेस करके तू भाई ये वेले नू गवा ना, पग खिसे जो समा लंघ गया फिर की होवेगा फिर तू पछताएगा फिर पछतावेगा। हाँ जी धन्यवाद वीर जी, कुट्टू दा पोईटा जी ने विचार दिते, आप जी ने भी अरविंदर वीर जी ने भी गल की सतगुर ते जन्मे दा जिक्र किया, एक जन्म साडा माता पिता दे राही हो चुका है, माता पिता दे घर एक जन्म असी सतगुरां दे राही सतगुर दे घर विच लैणा है जो सतगुरां दे मुताबिक असी जीवन बतीत कर सकीए, ओह जन्म अजे असी लैणा है, उत्थे साडा जन्म जिन्हां दा हो गया सत्कार योग हन ते बाकियां ने उत्थे जन्म लैणा है अजे ते साडा जन्म भी उत्थे होए, क्योंकि गुरु साहिब भी कहिंदे ना सतगुर ते जो मुंह फेरे
मथे तिलका ले। कहते उन्होंने मथे खले रह जाते सतगुर ते जो मुंह फेरे ते मुख ते वेमुख बुरे दिस ओ वेमुख हन ते बुरे दिसते हन ते गुरु तो मुंह ना फिर जाए। बस इस गल दा असी सारे ध्यान रखिए। धन्यवाद वीर जी आप जी दा। वजी आप जी दी आवाज नहीं आ रही। हां जी हां जी। एक कित आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए। कई ऐसे हैं जिन्हें आए हैं इस संसार ते पर पता ही नहीं लग रहा कि असीं जन्म गवान आए हैं या जन्म नूं सवारन आए हैं। ये हुण अंदर दी खेड है कि जिहड़ा मन है वह कभी जमदा ते कभी मरदा है। जमदा ते मरदा किस विच हैगा? अपने गुणा ते अवगुणा दे विच। हुण इह मनमुख दी गल कीती गई जिहदे मेरा मन जिहड़ा है ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਓ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਨ ਦਿਨ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਾਸਟ ਇਜ਼ ਪਾਸਟ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਕਿੱਸਿਆ। When we slip, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੱਗ ਡਗਮਗਦਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ ਦਿਨ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਪੂਰਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੂ ਇਜ਼ ਆਰ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਬੈਟਰ ਵਾਚ ਦੈਮ ਟੂ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਸਟੈਪ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਬੰਡਲ ਆਫ ਥੋਟਸ ਔਰ ਥੋਟਸ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਤੋ ਥੋਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦ ਥੋਟਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਥੋਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਵੀ ਥੋਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੀਪ ਔਨ ਸਲਿਪਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖਿਸਕਦਾ ਪੱਗ ਕਿਸਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਿਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਗਿਰੇਗਾ ਗਿਰੇਗਾ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕਿਸ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਬੰਡਲ ਆਫ ਥੋਟਸ ਥੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਕੋਮਾ। So we have the power of the thoughts. Apne ina vicharan de upar, apni soch de upar, thoughts de upar pura dhyan rakhna pega. Agar thoughts sade acche nikal de jaoge, thoughts kithe galt hoge, tap tap, you're going to fall, you're going to slip. Thank you, Bhuaji. Bilkul, bilkul exactly. Aap ji ne bahut sona dasna kita. ਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ
कि गुरबाणी जिस रब नू आखरी है उस रब का कोई शरीर नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। गुरमत का रब जड़ा है उदा कोई शरीर नहीं है, वह निरंकार है, उदा कोई आकार नहीं है, उदा कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं। गुरमत का जो गुरु है जिसनू ही रब आखते हैं वो भी कोई कोई शरीर वाला नहीं। गुरबाणी किसी शरीर नू गुरु नहीं आखती, गुरु नू ही रब आखती है। लेकिन जे असीं समझांगे गुरबाणी जिस गुरु की कभी गल आखती है वह भी उस गल की आखती है जिहदा भी कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई शरीर नहीं। गुरबाणी का जिहड़ा सिख बनता है, चेला बनता है, उसका भी कोई रूप नहीं, उसका भी कोई रंग नहीं, उसका भी कोई शरीर नहीं होंगे, वह भी शरीर वाले नहीं। गुरबाणी च जिहड़े लफ्ज़ आन गए उस बाहरले शरीर ये जिसनों असीं शरीर कह रहे हैं ना इसनू गुरबाणी कहती है पशु मानस चम पलेटे, इहनू कहिंदे ने हाड मास नाड़ी को पिंजर बोलते ने, कहिंदे ने एक हाड मास नाड़ियां का पिंजर है जिहड़ा। अदरवाइज जिहड़ा गुरमत का जिहड़ा रब है उहदा कोई आकार नहीं, कोई शरीर नहीं। गुरमत जिहड़ा गुरु समझांदी है कोई शरीर वाला गुरु नहीं। गुरमत का जो सिख है उहदा भी कोई शरीर नहीं है। मत भूलिए कि असी शरीर सिख हाँ ना, गुरमत दे सिख दा कोई भी जड़ गुरमत दा जड़ा इंसान जो गुरबाणी आखदी है वो शरीर वाला नहीं है। गुरमत दा सिख है, गुरमत दा जड़ा सिख दा शरीर है गुरबाणी आखदी है सुरत तुन चेला। असी इन्हां छोटियां छोटियां गल्लां नूं नहीं भुलना, हमेशा अंदर याद करी जाना बार 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 बार। ना साडा रब शरीरक है, ना साडा गुरु शरीरक है, ना असी शरीर हाँ, असी भी शरीरक नहीं है, ना गुरु का रब जी का चेला भी शरीर है। और जेड़ा ये बाहर वाला शरीर माता पिता के घर जन्म लैंदा है वह वाला जन्म भी गुरबाणी वाल नहीं मान रही। ये गुरबाणी जो गल कर रही है वह जन्म का चल वह जन्म के विच ही तो बैठे असी आ गल्लां समझ रहे हैं ना, लेकिन वह अंदर ही जिहड़ी गल चल रही है वह जन्म भी अंदर ही होंदा है। उस विच पल पल जन्म मरण हो रहा है, यह वाला तो एक बार जमया एक बार मरांगे ही मरांगे, चाहे कोई रब जी नू मन्ने चाहे ना मन्ने, नाम नू जपे ना जपे, हुक्मां विच चले ना चले, हुक्मां नू मन्ने ना मन्ने, जो मर्जी कह लवो, किसी धर्म नू मन्ने ना मन्ने, चंगे काम करे मंदे काम, एक बारी ये शरीर खत्म होना ही होना है। लेकिन गुरबाणी कहिंदी ने जिहड़ी तू पल पल मरदा है ना, पल पल तेरा जन्म मरण हो रहा है, वो कहिंदे तू अपना जन्म गवा रहना, कहिंदे वो तैनू गवा के नहीं जान देना। गुरु साहब कहिंदे नहीं ते ना मैनू वो पल पल दा जिहड़ा आवागमन हो रहा ना वो पसंद नहीं आ रहा सतगुरु जी, कहिंदे नहीं वो तैनू समझाना है कि तेरा जिहड़ा जन्म आ रहा ना पल पल तू जन्म लै रहा। असीं जन्म दो तरह के गुरबाणी दस रही है, एक जन्म है कहिंदे ने पर धन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे, आवागमन होत है फुन फुन है। बाहरला साडा शरीर तो एक बार जमदिया नहीं, गुरबाणी कहती नहीं पल पल जन्म हो रहा तेरा, आवागमन होता है फुन फुन, कभी कि तेरा एक मिनट च तेरा होर जन्म हो जाता है, एक मिनट च तेरा होर जन्म आता। फिर कहें यह जन्म च की कहें इस जन्म किस तरह के, कहें एक चेत गोविंद आराधी है होवे आनंद कणा वाले शब्द कहते, कहें एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जाना, कहें जन्म बिरथा चलेगा। ये जिहड़ा अंदर वाला जन्म है ना वो एक खिन भी विसारण दे नाल बिरथा चले जाता सारा जन्म। ये जिहड़ा जन्म है जिसनों गुरबाणी कहती आवा फुन फुन होत वाला जन्म है उसनों होर आखते आप रोज पढ़ते हैं अरदास, कहते ने ना हों जती सती नहीं पढ़िया। जो ये अवस्था साड़ी होंदी है ना मूरख मुगधा कहते जन्म पया, जन्म मिल गया, जन्म प्राप्त हो जाता है। ना हो जती सती नहीं पढ़िया मूरख मुगदा कहते जन्म हो गया। जदों असी अच्छा गुरबाणी नू पुछ भी लईए जती सती कहते कहते किसी गुरबाणी कहती है जती जत सत संजम नाम है, गुरबाणी तो नाम नू ही जत सत संजम। जदों असी नाम दे नाल नहीं जुड़दे हां साडा थॉट प्रोसैस की गल, जदों साडा ध्यान शब्द गुरु नाल नहीं जांदा साडा जन्म हो जाता है आवला जन जिस आवागमन होता है। तुम दूसरे पासे होर सतगुरु कहिंदे ने जदों असी गुरु की सेवा करन लग जाने हाँ गुरमत नू कमान लग जाने फिर भी कहिंदे जन्म हुंदा, उहनू कहिंदे ने साध संघ पयो जन्म प्राप्त। इत्थे भी जन्म पया हुंदा उत्थे भी जन्म पयो प्राप्त हुंदा, कहिंदे ने साध संघ पयो जन्म प्राप्त, पर वह कदों हुंदा कहिंदे घर सेवा पज हर हर गुरमत। जदों असी गुर सेवा ते भगत कमाई तब मानस देही पाई,
ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਨਸ ਚੰਮ ਪਲੇਟੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਿਆ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਖੇਡ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ, ਗੁਰਮਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਲੇਖਾ ਲਿਖੀਏ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਏ, ਜੋ ਮੰਨਣੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਨਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਜੀਤ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਜਨਮ ਜੀਤ ਮਰਨ, ਜੀਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੀਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜਨਮ ਹੈ ਗਵਨ ਮਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖੋ। ਜਨਮ ਜੀਤ ਮਰਨ, ਮਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਨ ਕਦੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰੋ, ਜੀਵਤ ਮਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਵਿਧ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਭ ਵਿਧ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ। ਉਹ ਤਖਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਅੰਦਰ ਰਚਾਏ ਰਾਜ ਜੋ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਭ ਵਿਧ ਮਾਨਿਓ ਮਨ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਜਨਮ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਦਸ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਤ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ। ਮਰਨ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ, ਮਨ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਂ। ਉਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਸੇਗਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਤ ਆਏ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਇਹ ਆਏ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਚਰਨ ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਵ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਅਕੀਲੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਸ ਰਹੇ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਆਏ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਸ਼ਰਣੀ, ਆਏ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਸ਼ਰਣੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੰਤ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਵ, ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾਪ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਦਾਸ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਹੱਥ ਲੀਨੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਇਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ
अनेक जन्म भ्रम शरणी, अनेक जन्मां तों असीं भ्रम भ्रम के आ गए हाँ तेरे शरण। अच्छा ये वेला ना जो शरण चाहे इस कहते हैं ये वेला दोबारा हाथ नहीं आएगा, असीं इत्थे करना की है कहिंदे पछताना पेगा। की करदे हां असीं इत्थे साडा ये वेला सानूं पछताना पैंदा है। आनंद साहब विच चलीए आपां, आनंद साहब विच जदों कहिंदे ने ना कहिंदे ने हुण जदों जी जाते ने उह सतगुरु की शरण च, सतगुरु है उपदेश, अंदर बैठा उपदेश देना शुरू कर देंदे ने सतगुरु जी। कहिंदे ने सतगुर का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले। ये जिहड़े जी जाते हैं सतगुरु की शरण में, सतगुरु फिर इन्हों की शरण च आते हैं, सतगुरु इन्हों समझाते हैं इस तरह तुहाडा जीवन व्यर्थ जा रहा है, दूजे पाए दे विच तुसी दूजे पाए च लगे हुए हो, तो असी तुहाडा इस करके इस करके तुहाडा जन्म बिरथा जा रहा है। ये वेला सतगुरु जी समझा रहे हैं क्योंकि शरण च आए ने। अच्छा सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरा नाल। हुण अगली तुक देखो की है, कहिंदे ने अगर ते उपदेश सुन लैण है ना, तो ये उत्थे सतगुरु जी दे इन्हां नूं दर दी प्राप्ति, ये सतगुरु के अंदर चले जाणगे, ये भी पाव सतगुरु जी दे विच समा जाए, इन्हां दा जन्म बिरथा नहीं जाएगा। पर इत्थे पछताण की गल आ रही है इस शब्द, वो पता की है, सतगुर का उपदेश सुन तू होवे तेरा नाले। अगे कहिंदे ने ऐसा कम मूले ना कीचै जे तंत पछोताई है। वो पछताना उहदे नाल जुड़िया कि उपदेश सुनते भी नहीं, फिर भी अगर सतगुरु की शरण च आए भाव आए तो अगर तो यह होमे नाल आया तो होमे नाल ही रहणगे, क्योंकि होमे भरी हुई है, भांडे विच सतगुरु का उपदेश पएगा नहीं। अगर तो यह आए नहीं होमे छड के तो यह पछताणगे नहीं। अगर ये आए सतगुरु के, अगर सतगुरु जी का उपदेश दे रहे ने, अगर इन्होंने नहीं सुनिया उन्होंने ही कहें ऐसा काम तू की काम कर लिया, तू केड़ा किरत करम के विछड़े कर लिया, तू सतगुरु का उपदेश सतगुरु जी सुन रहे सी तू सुनिया ही नहीं, तू फिर सो गया, सतगुरु के दर से आके भी तू होमे दे नाल ही वापस मुड़ गया, होम विच आया होम विच गया, तो मैं आया सी शरणी आया सी भरोसे नाल आया सी, पर सतगुरु जी ने जदों बोलना शुरू किया धन सो गई, जदों पति परमेश्वर ने अंदर बोलना शुरू किया अंदरली पत्नी सो गई। वो शब्द गुरबाणी दे विच आंदा है, कहिंदे ने धन सूती पीर सद बोलनता, हुण पीर की करे, धन सो गई उहनूं पीर जी प्राप्त भी हो गए, पीर की संगत विच भी इक्का सेज ते बैठी है, पर सो गई दुबारा। वह गल कर रहे ने, कहिंदे ने आंदे ने सारे जी जंत सतगुरु की शरण, सतगुरु जी उपदेश रूपी फिर देना भी शुरू कर देने, फिर भी सुन के इग्नोर कर देंगे, फिर कहते हैं पछताना पे, ऐसा का मूल्य ना कीचा जे तंत पछोताई है। असी सतगुरु का उपदेश जदों नहीं सारे जी जंत सुन लग ने, अवस्था बयान कर रहे सतगुरु, ये वेला कहते फिर नहीं आएगा दोबारा हाथ, फिर मुड़ जाते ने सारे जी जंत, फिर पता नहीं। देखो आए अनेक जन्म, अनेक जन्म भ्रम के आए सन शरण के, शरण में आके फिर सतगुरु जी की मत ने ली, फिर मुड़ गए, फिर हूँ पता नहीं वह कितने फिर जन्मां विच भटक के वह जी जंत फिर आने गए। जिहड़े जन्म मरण गुरबाणी देने पल पल होंगे ने, शरीरक जन्म मरण की गल नहीं चली, फिर पल पल मरणगे, गंदे बुरे विचारां दे हथों, बुरे विचारां रूपी जमा दे हथ, फिर उन्होंने बड़े दुख सहन करने पड़ेंगे, बड़े नरकों विच हर बिन जो रहना नरक सो सहन के फिर वापस आने गए। पता नहीं वह वेला कदों आएगा। कहिंदे ने हुण सतगुरु की शरण वाले वेला आया है, सुन लो सतगुरु जी का उपदेश, जो सतगुरु कहे सोई पल मानो, तुसी भी सतगुरु दे विच समा जाओगे। हाँ जी सिख भी जड़ा है वो शरीर नहीं है, परमात्मा भी शरीर नहीं है, रूप ना रेख ना रंग के त्रै गुण ते प्रभु इसे बजाय नानका जिस होवे सो प्रसन्न। बड़ी खूबसूरती नाल आप जी विचार रखते, धन्यवाद आप जी का। आओ एक पते का होर पाठ कर लिए असी रल मिल के। गुर कै शब्द पवित्र शरीरा, तिस विच वसै सच गुणी गहीरा, सचो सच वेखै सब थाई, सच सुन मन वसाएंदा गुर कै शब्द। शब्द दिन सिहारी गुर कै शब्द, गुरु दे शब्द दे राही पवित्र शरीर आ, शरीर पवित्र हो जाता है। शरीर किस तरह पवित्र हो जाता है, शब्द ने ते मन भी जाना है, पर गुरु साहब कह रहे हैं पवित्र शरीर आ। जदों शब्द मन भी जाता है
मन पवित्र हो जाता है, जो मन पवित्र हो जाता है साडे कर्म पवित्र हो जाते हैं। पवित्र शरीर पाओ चंगे कर्म कर लग पैंदा, शरीर भी गुरु के शब्द पवित्र शरीर आ, तिस विच वसे सच गुणी गहीरा। हुण अंदर परमात्मा प्रगट हो गया, अंदर परमात्मा बोलन लग पिया, परमात्मा नाल सांझ बन गई है। हुण परमात्मा गुरु के मुताबिक साडे कार विहार बन गई है। तिस विच वसे सच गुणी गहीरा, गुणी गहीरा तो पावे गुणा करके डूंगा, गुणा दा सागर कह लिए, गुणी गहीरा गुणा दा सागर कह लिए या गुणा करके डूंगा कह लिए, वो परमात्मा ऐसी विच वसदा है, अंदर प्रकट हो गया। सचो सच वेखे सब थाई, सच सुन मन वसाएंदा, सच सुन कहिंदे जदों गुरु दे नाल सांझ बनदी है, सच सुन सच नूं सुन के जिस दे मन विच गुरु दे बोल वस जांदे, जिस दे मन विच परमात्मा प्रगट हो जांदा है, उहदी अवस्था कैसी बनदी है? सचो सच वेखे सब थाई। असीं ध्यान देईए, जदों असीं विकारां दे अधीन होंदे आ, साडी अवस्था जिहड़ी है विकारां दी अधीनगी विच होंदी है, साडी अखां ते चश्मा लगदा। जदों शरीर करके साडी अखां कमजोर हो जांदियां ना, ते डॉक्टर सानूं चश्मा लगांदा कि संसार सानूं चंगे तरीके नाल दिसण लगदा है। पर मन करके जदों असीं कमजोर होंदे आ ना, मन करके जदों विकारां दा प्रभाव पै जांदा है, ते असीं विकारां दा चश्मा आप अपनी अखां ते लगा लैंदे आ। कदी असी काम का चश्मा लगाते हैं, कदी का चश्मा लगाते हैं, कदी लोभ मोह अहंकार का चश्मा लगाते हैं, उस चश्मे के नाल असी संसार नूं तकना करते हैं। संसार कदी संसार दे विच सानूं सारी मैल नजर आती है, क्योंकि अखां ते मन विच मैल सी, अखां ते असी चश्मा ला लिया, वह चश्मा लै लिया जिहड़ा चश्मा इंज समझ लईए कि साडे मन ने साडी अखां नूं पाया। संसार सानू उसी मुताबिक नजर आने लग पैंदा, संसार विच गंदगी नजर आती है, संसार विच सानू विकार नजर आते हैं, झूठ नजर आता है, मैल नजर आती है। पर गुरु दे शब्द दे राही जिसके मन दे विचों मैल निकल गई, जिदा मन पवित्र हो गया, तो मानो उसने गुरु दे बोल दे चश्मा पा लिया, क्योंकि मन पवित्र हो गया, अखां ते हुण उन्हें सच का चश्मा पा लिया। जदों सच का चश्मा पा लिया हुण सूरत बदल गई है, हुण सूरत घड़ी कही है, उस अवस्था विच तिथे घड़िए सूरत मत मन बुद्ध, उस अवस्था विच सूरत मत मन बुद्ध घड़े गए हैं, ते हुण जो संसार नजर आउंदा है, इंज समझना करिए हर पासे वसदा परमात्मा नजर आने लग पिया। पहला सानू अमीर गरीब नजर आउंदे सी, उच्ची जात नीवी जात नजर आती सी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वक् वक् नजर आते सी। जदों मन दे विचों मैल निकल गई, जदों गुरु दा दित्ता चश्मा अखां ते पा लिया, हुण सानू सचो सच वेखे सब थाई, हुण हर एक विच वसदा परमात्मा दिसण लग पिया। जदों गुरु दा दित्ता चश्मा अखां ते पा लईए, फिर वैर विरोधता किधर रह गई, फिर झगड़े किथे रह गए। पहला कोई अपना ते कोई पराया नजर आंदा सी, हुण सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, हुण गोविंद तो बिना कोई नजर ही नहीं आंदा, सारी खेड गोविंद दी बनाई हुई नजर आंदी है। सारे कोई सानू अगर आप शब्द भी बोल रहा है, ते वो भी जड़ा है सानू इंज महसूस होंदा है कि ऐ भी परमात्मा दा परमात्मा दे हुकम विच ही वर रहा है। अगर सानू चंगा बोल रहा है, वडियाई कर रहा है, ते उहदे विच वी परमात्मा दे बोल नजर आउंदे ने। सारे सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई वाली मन दी अवस्था बढ़ जांदी है। गुरु दे बोल जिहड़े हन उहनां नूं मन विच वसाईए कि साडे मन दी अवस्था विच ऐसी बने कि सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जी अरविंद जी, इस तों दो बंद पहला जिहड़ा गुरु साहिब समझ तक लै के आए सन, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ,
नाम ना जपे से आत्म घाती थोड़ा गल चलती जी वे भाग जो शरीर मिलता है फिर उस तो बाद कुछ ऐसे ने जो मिली हुई अपॉर्चुनिटी इनकैश नहीं कर पा रहे उन्होंने बारे गुरु का गुरु साहब कह रहे एक 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 किस्म के लोग वन सेक्ट ऑफ पीपल जे ऐसा जे कहीं कोई भी कामयाब नहीं होंदा पिया जिस स्कूल चो कोई भी पास आउट ना होंदा पिया स्कूल कैसा हो सकता है ते पास आउट तो हो रहे कहते लेकिन जो ओल्ड ना कहते एक एक किस्म के बंदे कहते एक कित आए जन्म गवाए उनके आन का लाह की मिलिया मनुखा जी वो दुर्लभ है भावे गुरु साहब कहते पे अच्छा फिर कामयाब कि होगी कहते गुर कै शब्द पवित्र शरीर असी ऐसी 16 साल के पाठ अंदर असी एक बार शायद पहले भी करके आए कहते नाम रते तीन निर्मल देहा शायद इस तो पहला 16 साल से मैं कहना कहते नाम रते तीन निर्मल देहा क्योंकि साडा साडा लेखा जोखा जो गुरु कह रहे कहना भी तेरे कहते कर्मा उपर निबड़े जे लोचे सब कोई तू सोचना की है अल्टीमेटली जाके जरा जाएगा ना कहते करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर तू अपने कर्मा दे हिसाब दे उत्ते जड़ा ना या रब दे नेड़े या दूर होना है अच्छा कहने किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम ते इतने जरा शरीर तो पाओ इतने जो 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 तू कर्म कराएगा कहते जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख जे तू गुरु की अगवाई तो बिना लेख लिख लेख तो लिखे जाने जे गुरु की अगवाई तो बिना जो काम करेगा ओड़े लेख लिखे जाने वखरे हो कहते काले लेख ना लिखी मथे उजले कि लेख अच्छे ना मथे उजले ने जिन्हों को बैंक बैलेंस है वह संसार दुनियावी तौर के उत्ते गुरु इतने जो गुरमत का नाम धन जी दौलत वो गल पै करता है कहते गुर कै शब्द पवित्र शरीर आ तिस विच वसै सच गुणी गहीरा उस शरीर दे विच जो पवित्र हो जाता है देखो अदरवाइज ते देखो एक सिद्धांत बड़ा स्पष्ट चली आता कहिंदा ने काया अंदर जग जीवन दाता वसै सब ना करे प्रतिपाल रब ते हर शरीर विच वसदा पे अंदर कोई शक नहीं लेकिन वह प्रगट रूप कह लो या देखो ऐसे पहला भी शब्द ऐसी ऐसी 16 साहब अंदर सी कहिंदा काया कंचन शब्द विचारा काया कंचन रूप होएगी किवें कहिंदा जो शब्द की विचार करना शुरू कहिंदा काया कंचन शब्द विचारा तिथै हर वसै जिसका अंत ना पारा वारा उत्थे रब टिकदा है हालांकि यह भी गल गुरबाणी भी जिन्हें तो जे भी से कि नहीं है इतने कोई लाइन है नहीं तुहानू परस्पेक्टिव बहुत डीप ने रब उंज ते हर थान सब गोबिंद है घट घट विच रब वसदा ही पे लेकिन फिर अच्छा ऐसी प्रथाएं असं कहने भी इस देही अंदर पंच चोर वसै काम क्रोध लोभ मोहंकारा असं कहने ए रब भी वसदा पे इस देही इस काया अंदर जग जीवन दाता वसै फिर इस काया दे अंदर पंच चोर वसै काम क्रोध लोभ मोहंकारा अमृत लूटा है अमृत लुट लेंदे ने अमृत तो पाओ अमृत और अमृत दे केवल रब है बाकी जो दिसे सो सगल विनाश है जो बादर की छाया जो दिसे सो सगल विनाश है जो बादर की छाया अमृत कहते ने ओ अविनाशी राया केवल ते केवल हुण यह विकार अमृत नूं लुट लेंदे ने पाओ रब नूं हुण इहदे सारे दृष्टांत ने गुरु नूं देने पैणगे हुण बंदा कहे किसी इन्नी जरूरत रब नूं लुट लवे दृष्टांत वसै सच गुणी गहीरा जी काया कंचन स्वरूप होगी है ना हूँ पाओ कह लो जस्ट वॉन्ट अंडरस्टैंड थोड़ा जा जस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग एक गुण डोरमेंट है एक गुण जरा ना बिल्कुल प्रगट हो रहा है जद तक जे विकार ने जे उन्होंने बोलबाला चलता पैना तो रब मानो डोरमेंट स्टेट में बैठा होया है तो उधर रब तो बिना तो कोई वो जोत ही अंदर है लेकिन जो रब डोरमेंट हो जाएगा ना फिर आवाज बंद हो जाती विकार इतने वो कहते मितिस वसै सच गुणी गहीरा यह शरीर है ना भी गुरु के शब्द के ना ही पवित्र हो जाने तो पाओ यह फिर चंगे कर्म असं दो दिन पहले भी गल करते पे कि गुरु बार दे सारे एग्जाम्पल्स दे के अंदर मन को समझाता है जो गुरु दिया सो मन के काम गुरु ने जितनी एक्सप्लेनेशन करनी ना समझाना मन नु ही है ते बार दे दृष्टमान दे एग्जाम्पल्स दे के गुरु मन को समझाता है फिर समझिया होया मन जड़ा है ना फिर वो कर्म बार ही करे जे झूठ बोलना है
बाहर दुनिया अंदर बोलेगा, लायतबारी करनी है, धोखा करना है, जो कुछ करना है कर्म कांड करने ने, फिर शरीर के थाने राही प्रकट होने ने। गुरु बार दृष्टमान तो एग्जाम्पल लैके मन को समझाएगा, समझाया मन फिर वापस संसार में कार व्यवहार करेगा। तो जिहड़ा मन सम गुरु की समझ दे राही काम करता पैना, वो बारे गुरु कहते हैं गुरु कह शब्द पवित्र शरीर जो कर्म करता पैना, फिर ठीक कर्म ने इस विच वसा जिहड़ा शरीर पवित्र हो जाता है, फिर कहते रब आके टिक जाता है। रब अदरवाइज हमेशा है ही है, लेकिन अदरवाइज वो डोरमेंट स्टेट में है। जो काम क्रोध लोभ अहंकार जो ने प्रबल जो होंगे उन्होंने कहते जे जिन्हों में फिर गुरु के शब्द राय जिनका शरीर पवित्र हो जाता है, जिन्हों में रब आके वस जाता है, कहना सचो सच वेख्या सब थाई, वो हर थान के उत्ते सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सगल समगरी जां का तना। रब की देह देखना चाहना है, रब न देखना चाहना है, सगल समगरी जो नजर आ रहा है और रब ही तो नजर आ रहा है कहना। लेकिन वो जो अदरवाइज जो दुनिया को रब नजर नहीं है, गुरु कहना गुरु शब्दी गोबिंद गजया, गुरु के शब्द के राही तू रब न रब की गरजना सुन सकना है। बंदा बंदा जंगल में जाए शेर की दहाड़ सुन के बंदे विच ऐ नहीं होंदा कि मैं हुण शेर नूं पटक देखांगा ते दौड़ांगा इत्थों दी। गुरु के शब्द के राही सानू रब का एहसास साडे जीवन में हो ही जांदा है। अदर जल थल मैयल गुप्त वरते रब कोई प्रगट था कितने रब आके नहीं कहता कि देखो जी मैं रब हाँ मेरी गल सुनो, वो तो गुप्त वर वरता पे कहना जल थल मैयल गुप्त वरता है। कहते गुरु शब्दी देख निहारी जी, गुरु के शब्दों के राही गुरु तेनों अख दे देगा जिद नाल ए अखा नाल रब नजर नहीं आना, गुरु तेनों सुरत वाली अखा दे देगा जिद नाल तू रब न हर पास महसूस कर सकेगा। सचो सच वेख्या सब थाई, सच सुन मन वसाएंदा, वह उस सच्चे परमात्मा दीयां गल्लां उहदे हुक्म उहदे हिदायतां वह सुनदा भी है, उसनू उस सच्चे परमात्मा उस हुक्म स्वरूप परमात्मा गुण स्वरूप परमात्मा अपने जीवन में फिर धारण भी कर लैंदा। हाँ जी धन्यवाद वीर जी। इस देही दे अंदर विकार भी वसदे हन, पंच और वसे आप जी ने जिक्र किया, परमात्मा भी वसदा। कदी असी समझिए कि सच वाले पासे तुर पैंदे आ, कदी असी विकारां दे अधीन विकारां वाले पासे तुर पैंदे आ। बिकसे अमृत भए गुरमत बुद्ध पाई, कहिंदे गुरु दी मत लैके जदों बुद्ध दी प्राप्ति हो जाए ते जहर तो अमृत बन जांदा, ते बस गुरु साडे अंदर वसदे जहर नूं अमृत बनाउंदे आ, ते गुरु दे बोलां दे आधार ते असी टिकना करिए कि अंदर साडा जिहड़ा जहर है उह भी अमृत बन जाए। धन्नवाद वीर जी आप जी दा। जी इकबाल वीर जी जी, गुरु के शब्द पुत्र शरीर है, हुण शरीर पुत्र हो जांदा किहदे राहीं, गुरु दे शब्द दे राहीं। किवें घड़ीए सुरत मत मन बुद्ध ते सुध, जदों जीव दी घड़ीए सुरत सुरत घड़ हुंदी है, सब तों पहलां सुरत घड़ हुंदी है, सुरती विच सच आउंदा, सच वाली सुरती बन जांदी है। घड़ीए सुरत मत, सुरत जदों उच्ची हो जांदी है मत भी साडी घड़ी हो जांदी है, मत उत्तम हो जांदी है, गुणा भरपूर हो जांदी है। जदों सुरती घट हुंदी है शब्द नाल, जदों मत उच्ची हुंदी है शब्द नाल, घड़ीए सुरत मत मन, फिर साडा जिहड़ा मन है जिहड़ा भजदा सी अनट्यून्ड सीगा उह ट्यून्ड हुंदा है, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਸੁਰਤ ਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਘੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਨ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਊਨਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਮਨ
ही ट्यून्ड मन बनता है। जदों ये मन ट्यून्ड हो जाता है फिर ये अपने जिहड़े कर्म है वह अखां दे राहीं दृष्टमान की देखता की तकता है। अखां जिहड़ियां हैगियां वह पवित्र हो जांदियां हन, हथ पवित्र हो जाते हैं, शुभ कर्म करते हैं, पैर पवित्र हो जाते हैं, चंगे पासे चलते हैं, ये जिहड़ा साडा शरीर है फिर यह पवित्र हो जाता है। हुंदा गुरु के शब्द राही पहली शर्त गुरु की शरण पै के ही जिहड़ा जीवन है वह सवरना है। साडे कर्म इंद्रे ते ज्ञान इंद्रे उदों ही सवरने हैं जदों वह गुरु शब्द के नाल जुड़नगे जिस विच वसै। हुण उस शरीर दे विच कौन वसदा जदों यह सुरत मत मन बुद्ध घड़ हो जाती है वसे वसदा सच सच वसदा सदा कायम रहने वाला परमात्मा वसदा है फिर उस शरीर दे विच उस मन दे विच गुणी गुणा भरपूर जो परमात्मा वसे वसदा है वह गुणा वाला वसदा है अवगुणा वाला नहीं सच वाला वसदा है। गहीर जो बड़े जिगरे वाला है बड़ी पावर समर्था का मालक है वह वसदा है। जदों गुरु दे शब्द राही जिहड़ा जीव अपने कर्म इंद्रिया नूं ज्ञान इंद्रिया नूं पुत्र कर लैंदा है ते परमात्मा उस शरीर दे विच प्रगट हो जांदा है। वह परमात्मा जिहड़ा सच है गुणी है गहीर है वह फिर वस जांदा है भाव प्रगट हो जांदा है सचो सच वेखे। वह फिर शरीर जिहड़ा जदों मन दे उपर परमात्मा आ वसदा है तन दे उपर परमात्मा आ वसदा है वह सचो सच वेखदा है सचो सच निर्मल सच निर्मल वेखनी वकारा रहत रहत वेखनी शुभ गुणा वाली वेखनी सचो सच वेखी। वह फिर जिहड़ा शरीर है पवित्र हो जाता है सचो सच ही वेखदा है शर्त है वह फिर वकारा वाली वेखनी ओदी कदाचित भी बनती नहीं सब थाई वह सारी सृष्टि नूं एक रूप वेखदा है सारी सृष्टि नूं ही वह सच की जोत मनदा है वेखदा है। ये विश्व संसार तुम जो देखते हर का रूप वह हर का रूप नजर आ जाता है हर रूप नजर ही है। और जदों अपने शरीर नूं कोई भी जीव पुत्र कर लैंदा है उन्होंने हर थां सब गोविंद है सब गोविंद है घट घट में हरजू वसे वाली अवस्था उहदी जिहड़ी बन जाती है वेखे सब थां सच सुन क्योंकि सच नूं सुन के उस सच्चे उपदेश नूं गुर के शब्द की सच्ची सिख्या नूं सुन के मन विच वसा लैंदा है ते जदों मन विच वसा लैंदा तो पवित्र शरीर हो जाता है गुणा भरपूर हो जाता है सब गुणा का मालक सब सिख्या का मालक सच्ची बैसण सच्ची साध संग दे विच टिकिया रहिंदा है। हाँ जी धन्यवाद वीर जी। सुरत मत मन बुद्ध गुरु दे शब्द राही कढ़ के किस तरह पवित्र हो जाती है और किस तरह शरीर नूं सच वाले पासे जोड़ती है। आप जी ने विवेक बुद्ध का भी जिक्र किया आप जी ने विवेक बुद्ध वो बुद्ध है जिहड़ी चंगे ते मंदे दी परख करदी है ते विवेक बुद्ध की प्राप्ति हो जाए कि चंगे ते मंदे दी परख करन वाली बुद्ध की प्राप्ति हो जाए वो भी गुरु के शब्द के राही सानू प्राप्त होती है। आप जी ने एक बहुत खूबसूरत गल विच आखी है कि एक रूप संसार नजर आन लग पाता है और बड़ी खूबसूरत डूंगी गल है इस बड़ी डूंगियाई है ऐसी गल सानू अजे संसार एक रूप नजर नहीं आता। असी अगर साडा पड़ोसी साडा कोई व्यक्ति कोई आंढी गुआंढी साडा कोई वड्डी गड्डी ले ले सानू एक रूप नजर नहीं आता ते असी जेलसी फील करदे आ साडे अपने अंदर नफरत पैदा होंदी है। जदों एक रूप नजर आने लग पवे ते साडे अंदरों भी जिहड़ा है जहर दूर होंदा है नफरत दूर होंदी है। धन्नवाद आप जी दा जी फौज गुर के शब्द पवित्र शरीरा इतने जरा शरीरा है ये मन नूं संबोधन कर रहा है क्योंकि उहदे नाल ही जुड़िया पवित्र कहिंदे ने पंज तत्तां दा जरा शरीर है जरा साडा बाहर दा शरीर वह कभी पवित्र नहीं होंदा वह साफ हो जाता है बाहर दी मिट्टी मैल उतर जाती है। पवित्र की होंगे संबोधन किया मन मन पवित्र हो सकता है और पवित्रता मन की मैल रहत विकारा तो रहत यह पवित्रता है ते मन जरा है वह पवित्र किंज होंगे जदों गुरु की सिक्ख्या उसके शब्द उसके गुण उस पूरी तरह मन के अंदर जो वस जाता है
जिस नूं असीं कह सकदे कि एक गुरु भी एक है, शब्द भी एक है, जदों उसके गुणा दो एक जदों वस जाता है तिस विच वसे सच गुणी गहिरा। हुण इह मन विच आके वस गया, एक गुणी गहिरा है, एक ऐसा समुंदर है जो साडे मन विच आके वस गया, मन पवित्र हो गया, ऐ शरीर मन पवित्र हो गया। फिर जदों एक वस गया ते सचो सच वेखे, हुण केरी नजर आ गई उस मन दे अंदर, मनमुखी खत्म एक दी नजर, क्योंकि सच आके वस गया। हुण सच दे अखां तों ही उसनों सब कुछ सच ही नजर आंदा, सब नूं एक ही नजर आंदा है। The oneness sees the one in everyone। सच सुन मन वसायदा, क्योंकि मन दे अंदर सच दा वासा हो गया, उहदे इंद्रियां दे विच भी सारा वासा हो गया, पूरा शरीर टोटल एक oneness विच ट्यून होण करके सब दे अंदर वो एक नजर आन लग पैंदा। हां जी, थैंक यू बुआ जी। किस तरह मन पवित्र होके पूरा शरीर भी सच पासे को पैंदा, बहुत सोहने तरीके नाल समझांदे हो। धन्यवाद आप जी दा। जी सुखिंदर वीर जी। हाँ जी वीर जी, वीर जी जिहड़ी पिछली अवस्था सतगुरु जिथे दस के गए ना, पिछले बंद की अखीरली अवस्था के जदों सारे जी जां सतगुरु की शरण च आउंदे आ लेकिन उन्होंने सुनते नहीं तो पछता के चले जाते, पछताउंदे आ। उस अवस्था तो बिल्कुल सतगुरु जी ना हुण इत्थे पॉजिटिव अवस्था उहदे अगेंस्ट दस रहे ने, कहिंदे ने उत्थे तां सुणदे नहीं सन ते कहिंदे ने पछता के वापस चले गए। हुण देखो थोड़ियां तुकां देखो, अनंद साहिब विच तुक आंदी है, कह नानक अमृत नाम सुनो। लेकिन जिहड़े सारे जी जां आंदे सी ना सतगुरु दी शरण च आए सन, जिहड़े पिछले कित पिछले बंद दस रहे एक कित आए, जेडे आए सन वह कहते ने हूँ आके ना सुनिया, इन्होंने नाम सुन लग गए। वह कहते ने कह नानक अमृत नाम सुनो, की होंगे कहते पवित्र होवो, वो पवित्र हो। जो ये सारे जी जंत गुरबाणी जो लफज शरीर आएगा ना, जी जंतों का समूह न शरीर आख्या गया गुरबाणी, वो गुरबाणी तुका भी ने आप शेयर करते हैं हौली हौली। कहिंदे ने जदों आके सतगुरु दे सतगुरु का उपदेश सुन, तू सतगुरु तो उपदेश देंदा पिया अंदर बैठ के, ये जदों आके सुन लग जांदे ने उदों कहिंदे ने पवित्र हो जांदे ने शरीर सारे। उहनूं कहिंदे ने सत कह नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र होवो, इस तरह एक पवित्र होंदे ने। फिर सुखमनी साहब विच कहिंदे ने निर्मल 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 तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बखियाणी। जदों ये हरेक घट घट सारे घट घट जी जंतू घट घट की गल कर रही है, जारे सारे सुन लग जाते ना घट घट सुने श्रवण बख्याणी। फिर कहिंदे की होंदा, कहिंदे ने पवित्र 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 पुनीत, इस तरह पवित्र हुई है पूरा शरीर, इस तरह पवित्र होंदा है। हुए होर कर गल करते हैं सतगुरु, कहिंदे ने जदों मन की जगह पर गुरु आके वस जाता है फिर गुरु सारिआं नूं बाणी बोलता है। इसनों कहते ने वड्डा साहिब, जो कहते ने नानक वड्डा आखी है, वो फिर वड्डा आखन लग जाता ना, तो सारे जी जत अगर तो सुन लेंदे सुन लैन तो पवित्र हो जाएंगे, तो अगर ना सुन तो पछता के इतों चले जाते हैं वापस होमे दे विच ही। कहते ने वो जोड़ा शब्द है ना गुरपुर है कृपा धारी प्रभ पूरी लोच तुम्हारी, वो जाके अगे कहते हैं जेड़े जी जंत हूँ सतगुरु की शरण चाहते हैं, सतगुरु उन्होंने उपदेश रूपी कृपा करता है। ये अगर उन्होंने उपदेशों ग्रहण करके सतगुरु की उस्तत कर लग जा, भाव सतगुरु के दसे उपदेशों से चलन लग जा, कहते हैं उस्तत करो सदा प्रभ अपने जिन पूरी कल राखी। फिर कहते की होएगा, कहते ने जी जंत सब भय पवित्रा सतगुर की सच, उत्थे भी सच ते औंकड़ लगा होया, सतगुर की सच साखी सच रूपी साखी सिखिया जी जंत सब भय पवित्रा। हुण इत्थे की आख रहे ने, गुर कै शब्द पवित्र शरीरा, शरीर जिहड़ा गुरबाणी दा शरीर है ना, अंदर जितने जी जंत वसदे ने रोम रोम हर त्यावे, जिसनों आखते ना गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, गुरु के मुख तो जड़ी हुक्म निकलता है, शब्द निकलता है, सच निकलता है, जदों गुरु के मुख तो सच गुरु बोलता है तो उसनों रोम रोम सुन के उसनों उन्हां दी उस्तत भी चलन लग जाता। उन्होंने कहते ने रोम रोम हर त्यावे, वो हर त्यान वाली अवस्था कहते ने पवित्र शरीर, उसी कहते ने जी जंत सब भय पवित्रा,
कदों पर होया कहिंदे ने सतगुर की सच साखी सच रूपी सतगुरु की सिक्ख्या दे नाल जदों इह सुन लैंदे ने अगे देखो की आया कहिंदे ने तिस विच वसै सच हर एक जिहड़ा जी जंत सतगुरु की सच साखी नूं सुन लैण लग जांदा है सुन के उस्तत करन लग जांदा भाव देखो पहला आपां अखीरली बंद की इस बंद की अखीरली तुक समझिए सच सुन सुन के मन इतने मन विच नहीं है यह हैगा मनन नाल मन के उपर टिप्पी लगी हुई है मन के जदों वसांदा है हरेक जी जंत उह सतगुरु जो सच साखी सुणांदा है इहनूं इह सुणदे ने सुन के मनदे ने मन के वह सच नूं अपने हिंदे हिरदे च वसा लैंदे इस विच वी जी जंत सच नूं सुणदा है सुन के मन लैंदा उहदे अंदर सच वस जांदा जी एक एक जी जंत की गल कर रहे जी जंता दे समूह का नाम ही गुरबाणी ने शरीरा रखा कहिंदे ने जी जंत सब पए पवित्रा कदों सतगुर की सच साखी इत्थे कहिंदे ने गुर कै शब्द पवित्र शरीरा शरीर पवित्र हो गया भाव जी जंत सारे पवित्र हो गए इसे नूं जपजी साहब च अखीर ते जाके आखदे ने कहिंदे ने जदों सारे जी जंत सुनन लग जांदे ने फिर कहिंदे की हुंदा है सुनते पुनीत अगे कहिंदे ने कहते पवित्र पर यह कदों हुंदा कहिंदे जदों सतगुर रहिया परपूरे एक एक रोम तक एक एक जी जंत शरीर दे अंदरले ब्रह्मांड रूपी शरीर दे एक एक जगह तक जदों नाम वस जांदा है सच वरत जांदा है इस नूं गुरबाणी कहिंदी है जेता कीता तेता नाउ विण नावै नाही को थाउ हुण अंदरले शरीर दे विच अंदरले सृष्टि दे विच एक भी जगह ते नाम तो बिना सच तो बिना कोई जगह ही नहीं खाली बची एक एक जिसनूं कहिंदे रोम रोम हर त्यारिया वो जड़ी मधुर मधुर धुन हुण एक एक रोम तो मधुर मधुर धुन अनहत वज रही है वो कहिंदे ने कहिंदे सचो सच वेखै सब थाई इत्थे सच वेख्या आखरे ने उत्ते आसा दी वार च आखदे ने कहिंदे ने नानक हुक्मै अंदर वेखै जदों मन भी हुक्म विच चलन लग जांदा है ते अंदरला पूरा शरीर पावी कि एक रोम भी एक एक जी जंत भी हुक्म विच चलन लग जांदा है फिर कहिंदे ने इस तरह सारी सृष्टि नूं हुक्म वेख रहा है हुक्म रूपी परमात्मा सतगुरु जी दे हुक्म बचन नाम बाणी कहिंदे सच वेख रहा है इस तरह वेख रहा हर एक जगह ते सच दिस रहा वरत रहा है सच इस नूं कहिंदे ने जेता कीता जेता नूं विण नावै ना ही को थाउ कोई थाउ ही नहीं बचिया हुण नाम तो बिना सच तो बिना ते अगे की कहिंदे ने एक असीं होर गल समझिए देखो सब तो पहला मन नूं महल की प्राप्ति होंदी है हुक्म मन्या होवे परवाह तां खसमै का महल पाए सी मन नूं खसम दा महल प्राप्त हुंदा है लेकिन अजे जी जनता नूं खसम दा महल नहीं प्राप्त होया अंदर वसदे ने खसम साडे सच ए सच सभना का खसम है सच नूं मन अपने विच सच दे विच समा के मन नूं सच दा महल अंदर प्राप्त हो जांदा है लेकिन अजे जी जनता नूं बाकी सारे शरीर दे इंद्रियां नूं जिन्हां नूं गुरबाणी जी जंत भी आखदी है रोम रोम भी आखदी उहनां नूं महल नहीं प्राप्त होया उहनां नूं किवें प्राप्त होएगा गुरबाणी कहिंदी है हुण उहनां नूं उह सच किवें बुलाएगा महल दे विच कहिंदे ने उहदा तरीका है कहिंदे ने सच सुण बुझ वख्याण महल बुलाई है हर एक जी जंत हुण जिहड़ा सच बोल रिहा ना मन दी जगह ते सच आप खसम बोल रिहा उहनूं सच नूं सुनेगा बुझेगा फिर दूजियां नूं भी समझाएगा नाल नाल वख्याण करेगा इह है महल बुलाई है उहनां नूं भी एक एक करके जीआं जंतां नूं भी महल च बुलाया जाए ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੀ ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਜੰਤ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹੀ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਬਸ ਇਹੀ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕੂੜ ਦੀ ਪੰਡ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਤੱਕ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸਵਰਦਾ ਹੈ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰ ਭਵਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਸਾਧਾਰਿਆ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ
अदरवाइज जिहड़े बाहले दिख रहे इंद्रे है ना इन्हां नूं तां गुरबाणी इंद्रे भी नहीं आखदी, इन्हां नूं तां कहिंदी है कि कहने नौ द्वारे, इन्हां नूं तां द्वारे आखदी है, नौ द्वारे प्रगट किए, ये द्वारे ने, इन्हां नूं तां गुरबाणी इंद्रे भी नहीं आखदी, ये शरीर के अंग भी नहीं, शरीर के अंग तां इंद्रे जिहड़े जिहड़े गुरबाणी आखदी है ना, ये नेत्रो मेरे ओ नेत्रां किहड़ियां ने, लोए न सुरत करिए वाले नूं बोलदी है गुरबाणी, जे किसी नूं शरीर बोलदी उह अंदरले सारे शरीर नूं शरीर बोले, बाहरले नूं तां नौ द्वारे प्रगट किए कह रहे, इन्हां नूं तां द्वारे आखदी है, इन्हां नूं तां अखां भी नहीं आख रही, ये द्वारे ने, ये अंदर जिहड़ा एक अखां ने ना जिहड़ियां सुरत ने लोए न सुरत करे उन्हां नूं कहिंदे ने लोए न, ये नेत्रो मेरे हो, ये विश्व संसार तुम देखदे, ये हरका रूप है, उन्हां नूं कहिंदे ने सुरत रूपी अखां देखो, ये सारी सुरत सुरत नाल ध्यान दे नाल देखो सारिआं च रब वस रहा। गुरबाणी के अर्थ ना बहुत प्यारे ने, लेकिन गुरबाणी के विचों समझांगे तो साढ़े बड़े भरम दूर हो जाएंगे। हाँ जी तनाली जी, रोम रोम पवित्र हो जाता, बिल्कुल जो मन पवित्र हो जाए रोम रोम पवित्र हो जाता। तुसी अंदर दे शरीर बारे समझाना कर दे, अजे अंदर दे शरीर बारे कई सवाल हैं, कई जड़ी गल्लां पूरी तरह क्लियर नहीं हो पा रही, जरूर आने वाले समय विच कोशिश करांगे कि शायद अंदर दे शरीर दे बाबत भी समझ आने लग पवे, क्योंकि अजे तक इंज समझ आता कि मन पवित्र हो गया ते मन ने सारिआं नूं आपे अपनी राह ते तोड़ देना है, सारी चीजा अपने आप पवित्र हो जाणगीआं। जे धीरे धीरे आप जी जिस तरह गल कर दे हो बाहरला शरीर ते अंदर दा शरीर, ते जरूर कोशिश करांगे समझण दी कि अंदर दा शरीर भी समझ आए, कि कुछ उस पथ तो भी असी समझ सकीए ते उस तरीके दे नाल भी असी तुर सकीए देख सकीए। जी धन्नवाद आप जी दा, अज दो पद्यां दा पाठ होया, आओ रल मिल के पाठ कर लिए, फिर पाठ सेशन दी समाप्ति है। एक कित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजे पाए, ए वेला फिर हाथ न आवे, पग खिसिए पछताएंदा, गुर कै शब्द पवित्र शरीरा, तिस विच वसे सच गुणी गहीरा, सचो सच वेखे सब थाई, सच सुन मन वसाएंदा, सचो सच वेखे सब थाई, सच सुन मन वसाएंदा। हुईयां बयान भुलां दी किमां, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रदीप वीर जी कोई सवाल वगैरह है ते आप जी ले लिया जे? आप जी प्लीज किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते थे, ऐसे भी ऑडियो ऑन कर देंगे तो अगला पूछ सकते। किसी वीर दा किसी भैन दा कोई सवाल कोई पूछना चाहे किसी को भी तो जरूर पूछ सकते हैं। कल भी किसी का फोन आया सी, वो कह रहे सी चैट बॉक्स की वजह करके ध्यान खिंडर जाता है। एडवोकेट जसविंदर कौर जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं ना दा ऑन कर देना। ऑन करता आप जी? हाँ जी, हाँ जी करते जी। जसविंदर जी आप जी, जी। आप जी नो अपनी अनम्यूट आप करना पड़ेगा जसविंदर कौर जी। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है जसविंदर कौर जी, जरा थोड़ा लाउड क्लोज कर। आवाज नहीं आ रही आप जी दी, प्लीज थोड़ा सा चेक करिए जी, अपना नेटवर्क चेक करिए जी। चैट बॉक्स में भी कोई अगर सवाल पाना चाहते तब तक पा सकते हैं। जब तक जसविंदर कौर जी का नेट कनेक्ट हो रहा है, एक हेलो हां हुण आ रही आवाज जी? जी जी जसविंदर जी आ रही है। भैन जी जी प्लीज आप संगत नु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। फतेह जी, देखो मैं एक दो गल्लां थोड़ियां समझनियां चाहंदियां हैगियां इत्थों। ओ ये हैगियां कि ठीक है असी
दुनियावी गल्लां भी करनियां हैगियां ने ते असी मन दे तल ते जो सीखना हैगा वह भी सीखना हैगा। जो मैनू लगता हैगा देखो दुनियावी गल्लां तां असी बारहवीं किताबां दे विच भी बहुत सीख लैंदे आ। आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी भैन जी आ रही है, आप जी कंटिन्यू रखो। देखो इत्थे असी जो सीखन बैठे आ गए ज्यादा करके आपां मन दे तल ते सीखना हैगा जो गुरु ग्रंथ साहिब दे जिन्नी क मैनू समझ आई हैगी है वह मैनू लगता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो सानू सिखा रहे है वह सानू मन दे तल ते सीखना पएगा। यह सीखांगे असी ताई जे असी विचों कुछ क्वेश्चन लवांगे या उन्हां नू बड़ी तरीके दे नाल असी इन्हां तों समझांगे जिहड़े भी एक्सप्लेन कर रहे हैगे है। ठीक है, ते उहदे लई मैनू मैनू लगता है कि आपां नू थोड़ा टाइम चाहे एक पदा लैके करिए जे उहदे विच कुछ समझण वालियां गल्लां हैगियां ने तां उहनां नू थोड़ा टाइम दिता जाए ज्यादा अलग बाद विच। जदों असी क्वेश्चन विच पांदे हैगे आ ठीक है उहदे विच गल हैगी है कि क्वेश्चन का आंसर थानू मिल मिल जाता हैगा बाद दे विच, पर कई बार कुछ गल्ला एहो जिहा हो जांदियां कि जिहड़ियां डिस्टर्बिंग हो जांदियां ने। ठीक है, हुण देखो भूआ जी दे एक्सप्लेन करन दा टाइम जिवें दित्ता हैगा बहुत वधिया एक्सप्लेन कर रहे हैं जिहदे नाल सानू बहुत वधिया समझ आ रहा है। सुखविंदर वीर जी मैं इह नहीं कहिंदी कि सानू बाकियां दा समझ नहीं आ रहा हैगा, पर गल इह हैगी है कि जदों एक चीज़ असीं समझना चाहते हैगे आ जिहड़ा जदों असीं देखो एक गल असीं मैं जिहड़ा पुछना चाहती हाँ क्वेश्चन कि ठीक है असी साडी जिंदगी चल रही है साह दे नाल चल रही है जो सानू नजर नहीं आते ते गुरबाणी सानू ओ चीज समझा रही है जो असीं मन दे तल ते लैणी है। ते मन नूं जदों असीं अपने हिसाब नाल गुरबाणी दे हिसाब नाल चलावांगे तां ही असीं आपां समझ सकदे हां कि गुरबाणी सानू समझाणा की चाहती है। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਓਹਨਾ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓਹਨਾ ਕੋਲ ਓਹਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਲਿਸਨਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਘੜਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈਗਾ, ਜਰਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, 24 hours ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੀ ਦਾਤ ਹੈ ਰੱਬੀ ਵੱਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਰਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕੀ, ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹਾ ਤਿੰਨ ਰਾਹ, ਧਿਆਨ ਲਈ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ
ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, 1+1=2 ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਮਝੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾ, ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਮਝੀ, ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹਾ ਤੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੁਕਮ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਜੀ ਜੰਤ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰੀਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰੇਗਾ। ਸੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੁਰਤ ਤੇ ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵਾ ਤੈਸੋ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਖਿਆਣ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਏ, ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ
कसवटी लगांदे आ, वह कसवटी लगांदे आ ना। देखो गुरबाणी सानू कहंदी है मन राम कसवटी लाए, वो जिहड़ा कसवटी लगाने लई की कहना साडे अंदर एक एक्ट चलता है ना, काम होंदा, इसी नू कहंदे ने मन कसवटी लांदा है। ये ऑटोमैटिकली प्रोसैस चलता है, असी जो भी सानू कोई ख्याल देंदा ना, असी उसनू दलीलां दे नाल उस ख्याल नू की कहने चैक करदे वी ये ख्याल सच दा ख्याल है। कसवटी लगांदे आ जिहड़ी सतगुरु के दिते हुए ज्ञान के ना चैक करते हैं, अगर साडा पूरी तरह उस इनफोरमेशन ज्ञान से मन मन जाता है ना, तो असी उन्हें ग्रहण करते हैं। वो जो तो ग्रहण हो जाए ना, उसको कहते हैं मत दे विच विवेक बुद्धि, वह बुद्धि है। जदों असी सतगुरु जी के मन राम की कसवटी पा, सतगुरु के ज्ञान के नाल परख परख के ख्याल, कोई ख्याल ता ही अंदर जाने भी सतगुरु से परख के साडा मन मन जाता है, फिर वह साडे अंदर बुद्ध बनती है। उही जी फिर सानू मन मन जाते ना उस इनफोरमेशन, उसनों कहते हैं विवेक बुद्ध। वो है सुरत नू मत प्राप्त होंगी है, तो मन नू बुद्ध प्राप्त होंगी है। देखो ना कि कहने सुरत फिजिकली है ना मन फिजिकली है, सिर्फ एक जी सा अंदर सिस्टम चल रहा ना, ध्यान लगाने वाले सिस्टम नू सुरत आख्या जाता है। तो जेडे अंदर असी जेडे अंदर असी चैक करते रहने, कसवटी लगा ला के अपनी सियाणप नाल गुरु की दस्ती और सोझी दे नाल असी चैक करते रहने भी जो ख्याल आ रहा है ये नाल मेरा नुकसान तो नहीं होएगा। इसनों कहते अगे दे जे चेतीए तां कायत मिले सहि, वो असी चेतते हैं ध्यान दे नाल चैक करते हैं भी ये गुरु का ही ख्याल है ना जिहड़ा आ रहा है। जो तो चैक करते जाने तो जो गुरु के नाल साडा मन पूरी तरह मन जाता वो सानू बुद्ध प्राप्त होंगी। वो फिर जो मन के बुद्ध प्राप्त होती इसी बुद्ध नू ही विवेक बुद्धि आखते, तो इसी नू ही कहंदे ने कहो कबीर मैं सौ गुरु पाया जाका नाम विवेको। यही गुरु नू प्राप्त करन दा की कहने तरीका है, यही गुरु नू प्राप्ति हो गई। हुण की करदा ने अगे जो साडे मन सानू विवेक बुद्धि प्राप्त होती है, तो ऑटोमैटिकली साडे अंदर विवेक बुद्धि ना साडे इंद्रियां वल भी जान, ऑटोमैटिकली उन्हां नू मैसेज मिलने लग जांदा है। हौली हौली साडे साडे एकदम साडे अंदर वाले जिहड़ी सुरत की कहने लोए ने सुरत करे पै के चरण, वो जिहड़े साडे चरण अजे भी साडे अंदरले जिहड़े असीं सुणदे आ, सुणन वाली जिहड़ी साडी अजे अंदर क्रिया वै वह जे पूरी ठीक नहीं होंदी, उहनूं फिर समझांदे ने ये श्रवणो मेरे हो। फिर अंदर जिहड़ी असीं अंदर ध्यान नाल देखदे आ कोई भी चीज़ां जिथों असीं इनफॉर्मेशन लैंदे वह भी ठीक होनी हौली शुरू हो जाती है। ये उदों शुरू होंदी जो सानूं विवेक बुद्धि प्राप्त हो, अंदर ऑटोमैटिकली साडा सिस्टम ठीक होने लग जाता है। वो सिस्टम ठीक होने कहते हैं करम खंड, भाव के हूँ जेडे मन विवेक बुद्धि प्राप्त, विवेक बुद्धि रूपी करम हूँ बाकी पूरे शरीर होने लग जाते, ऑटोमैटिकली प्रोसैस है। विवेक बुद्धि हूँ शरीर जे किसी को सियाणप आ जाती है, जे कोई डॉक्टर बन जाता है उसनों पूरे शरीर के रोगों बारे समझ आ जाती है, ऑटोमैटिकली आप भी उवें दे काम नहीं करेगा जिन्होंने पता लगेगा यह चीज़ खाने मैं बीमारी आ जाएगी या इस तरह करने के नाल मैनू ये प्रॉब्लम आएगी ये रोग लग जाएगा, वो आप भी करते हैं दूजिया के रोग भी कट्ट लग जाए। वो करम दूजिया करम खंड का मतलब होंगे वो दूजिया से बख्शिश कर लग जाता है, दूजिया के भी लेखे उन्होंने लेखा समझाता है, तो उन्होंने भी कहना तुम भी अपने लेखे हूँ इस तरह के लिखवाओ, लेखा किमें लिखे जाओ कहते तुम भी पसंद करो ये हूँ सच ने, उन्होंने भी समझाया जाता है। जी गुरबाणी कहते ना पवित्र शरीर आ, पवित्र शरीर वाले पास फिर करम खंड वर्क हुंदा है। उस तो बाद जदों मन असी ते साडे पूरी साडी बॉडी ट्यून हो जांदे ने उस नूं कहिंदे ने सचखंड। उहदे विच की हुंदा फिर कहिंदे ने तिथै लो लो आकार जीव जीव हुकम तिवै तिवका, साडे सानूं बुरे साडा कितले बुरे पासे असी ध्यान भी नहीं लगांदे ते बुरे सानूं विचार भी नहीं आंदे, क्योंकि जिथे ध्यान लगाओगे उहदी इनफॉर्मेशन चंगी जां माड़ी साडे कोल पहलां आएगी। तो जे साडे अंदर उवें दे इनफोर्मेशन वाले ख्याल ऑलरेडी साडा सुभाव होंदा तो असीं उह ख्यालां नूं ग्रहण कर लांगे, ना साडा ध्यान बुरे पासे लगेगा, ना सानूं बुरे पासे दे विचार मिलणगे, उत्थों बुरे विचार आणगे, ना साडे एक्ट होणगे अकॉर्डिंगली। उहदे उसे नूं कहिंदे ने साडा उहला जिहड़ा सारा खंड सचखंड बण जांदा। उहदे विच की हुंदा जीव जीव हुकम ते हुकम विच असीं सारी साडे विचार भी साडा सुरत भी मन भी ते इक इक रोम रोम भी हुक्म विच कार कर रहे। इन्हूं कहिंदा गुरु मुख, गुरु दे मुख तो निकले हो बचना ना रोम रोम हर त्या, ये अवस्था सचखंड वाली। हाँ जी 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 वीर जी, आप जी ने बोले दो अन पर एक्सप्लेन चार किते हैं, ये बिल्कुल बारीक बारीक डिफरेंस दे नाल चार ही चीज़ों का जिक्र गुरु साहब कर रहे हैं।
क्योंकि सुरत ध्यान है मत समझे मन विचार मंडल है ते बुद्ध अकल है ते एक्सप्लेन भी आप जी ने जिहड़ा कीता वो चार सुरत दे राही मत आउंदी है। धन्यवाद आप जी का, आप जी ने बड़ी डिटेल विच बड़ी खूबसूरती नाल आप जी ने समझाना कीता। सतीश अरोड़ा जी ने हाथ रेस कीता, जसपाल वीर जी ने भी हाथ रेस किया। वीर जी बिल्कुल शॉर्ट इच दोनों वीर अपनी गल रखिया जे, फिर दोनों दे ही कोई अगर सवाल है तो जवाब इकट्ठे ही ले लेते जाएंगे। जी सतीश अरोड़ा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह वीर जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही वीर जी। तो वीर जी छोटी जी एक सारे नु एक बेनती जी, जिन्ने भी सुखवीर सुखविंदर वीर जी हरविंदर वीर जी बुआ जी ते अज भूपेंद्र वीर जी नहीं जुड़े इकबाल सिंह वीर जी जी एक मेरी छोटी जी है ते सतबीर सिंह जी आप जी नु बेनती है छोटी जी किसे दिन जो असि डेली रूटीन है जैसे अरदास करने है तू ठाकुर तुम पे अरदास इदा पूरी अरदास दा एक दिन विचार दा समय कीते जाए सारी संगत नु समझ आ जाए जो अरदास डेली करना उदा दा गुड मतलब की है जी। यही सारी बेनती जी जी धन्यवाद जी। जरूर जरूर है, आने वाले समय में विचार किया जाए जी, आने वाले समय में जरूर ले लिया जाएगा। जसपाल जी दे हैंड्रेस कितना सतवीर सतवीर जी एक मिनट मैं थोड़ा जाना गल करना चाह रही जी 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 वीर जी जी आप गल तुसी कह रहे ना भी चार ये पता की है देखो साडा ध्यान जिथे लगेगा उन्होंने ना एक फल है जेड़ा मत है वो साडा फल है साडा ओ की कहने आउटपुट है। अगर ध्यान चंगे पासे लगे चंगी मत मिली चंगा फल प्राप्त होगा, ध्यान बुरे पासे लगे बुरी मत मिलेगी है ना। विचार चंगे पासे ध्यान लग्या तो उहदे विचों चंगे विचार निकलणगे। मन मन है ना जिहड़े साडा विचार जां तां चंगे विचार रूपी साडा मन रहिंदा जां माड़े विचार माड़ी बुद्धि रूपी विचार मन रहिंदा। इह चार चीज़ां नहीं है, दो चीज़ां ही है। चंगे ध्यान दे नाल चंगी मत मिलदी है, मत ते बुद्धि इह प्राप्ति है फल है। चीज़ां अंदर दो ही है, ध्यान ते विचारन दी शक्ति। विचारन दी शक्ति नूं कहिंदे ने ध्यान वाली शक्ति नूं अंदर कहिंदे ने सुरत। जिथे असि ध्यान वाली शक्ति जिथे लगावे उदो साडी कोई चीज प्राप्ति होगी। वह प्राप्ति है, वह कोई अलग तो कोई चीज नहीं है, ये मत प्राप्ति है फल है। जां अमृत प्राप्त होंदी है, बिख ते अमृत जिहड़े कहिंदे ने वह फल ने। बिख अमृत इस संसार रूपी बिरख नूं दो फल मिलदे ने, चंगी मत चंगा फल बुरी मत बुरा फल। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪਰਪਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤ ਤੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਰਤ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਗੀ ਮਤ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? हाँ, मैं हुणे जिस तरह सुखविंदर वीर जी ध्यान ते सूरत दे उत्ते ओह छेड़ रहे सीगे, गल कर रहे सीगे, बहुत सोहणा इहनां ने विचार रखे। मैं बस एक ही चीज़ पूछना चाहुंदा, ध्यान जिहड़ा हैगा ओह अखां बंद करके लगाया जा सकता है या अखां खोल? क्योंकि मैं अक्सर देखिया हैगा भावें ओह पहली क्लास का बच्चा है ते भावें किन्ना ही वड्डा बुजुर्ग हैगा, जे उहनूं कोई क्वेश्चन कीता जाए या उन्होंने कुछ पूछा जाए तो वह अक्सर अखा बंद करके एक मिनट ही जवाब दे देता, भावे वह छोटा होए तो भावे वड्डा होए। जिते साढ़े जिस तरह साढ़े इतने प्रचारक बहुत है, उन्होंने कोई शब्द ध्यान च नहीं आ रहा कि वह मैं देखिए अखा बंद कर दें तो एक मिनट ही ध्यान च आ जाता। तो ये उत्ते गुरमुख की कहता है वो कि अखा साडा बटन है ध्यान का कि असी अखा बंद कीतियां
और माइंड एकदम ऑन हो गया और एकदम साडे ओदे विच आंसर आ जांदा एदा आपस विच की लिंक हैगा सुखविंदर वीर जी थोड़ा जस्ट विचार करन। हां जी वीर जी देखो हुण अपने जितने सारे आपां इत्थे सुन रहे हैं इस प्लेटफार्म ते ना जो आपां गल कर रहे हैं हुण तुसीं अपने आप नाल ही चेक करो जेड़ा भी प्रचारक इत्थे बोल रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੇਟ ਜਾਓ ਲੇਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਲੇਟ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾ ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੁਰਤ ਨੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਸੁਰਤ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਡਾਈਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਜੇ ਤੁੱਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਈਏ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਲਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋ ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਈ ਕਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੀ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਲੋਨ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਤਨ ਅੰਦਰਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਲੋਇਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣਾ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕੰਨ ਬੁਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਈਏ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਈਏ ਚੰਗੇ ਪੈਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਰ ਉਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਂ ਤਨ ਜਦੋਂ ਤਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖੂਗੀ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਲੇਕਿਨ ਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਤਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਤਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਨਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਏ
और उस चानण विच असी कार विहार करिए। यह बड़ी उच्ची अवस्था है, अक्खां मीट के सूरत नूं जोड़ना। ਸਤਬੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕੰਨ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਵਾਖਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਖ ਰਹੇ ਅੱਖਾਂ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਬਾੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂੰਦ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਜੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂੰਦ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਜੇ ਵੱਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂੰਦ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਜੈਸਾ ਮਨ ਹੋਏ ਉਹੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਤੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਘੁੰਮਣ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਘੁੰਮਣ, ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਹਦ ਕੀ ਵੱਜਦੇ, ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਵਾਨ ਜੀ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਆਨ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਨਿਰਵਾਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਆਨ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਔਰ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤ ਔਰ ਬੁੱਧ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਗਿਫਟਸ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸੁਰਤ ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਕੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰਾਹ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰਤ ਟਿੱਕ ਗਈ, ਤੇ ਉਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹੀ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਉਸੀ ਪਾਸੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਟਿੱਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬੀਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਆਖਿਆ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ, ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੀਪੀਯੂ ਹੈ,
जे असी इनपुट मोड विच हाँ, जे बाणी का शब्द आ रहा है भी अमृत बाणी मन वसाए अमृत अमृत पावन आ, हुण त्रै वार अमृत बोलिया जा रहा है लेकिन त्रैवो का स्वरूप वखरा है, हुण असी जे इनपुट मोड विच हाँ असी अपनी अखां बंद कर लीतियां असी शब्द ना वेख्या साडा इनपुट साडा प्रोसैस बराबर नहीं होएगा। जदों असी वेन वी वॉन्ट टू गैट इन टू आउटपुट मोड असी कई बार ना कई बार कोई शब्द ना थोड़ा टच करता दिमाग नूं पूरी तरह ख्याल नहीं आता अखां की कई बार तो आई फील कन भी बंद कर लो क्योंकि उस टाइम से वी आर सेंट्रलाइजिंग ऑन द प्रोसैसिंग यूनिट कि मन जिन जो प्रोसैस किया ना उस टाइम के दरवाजे बंद करने ने। वैन वी आर इन इनपुट मोड जो असी कुछ अंदर पाना है कि उस टाइम से अखा ने भी शब्द नूं देखना है, जे असी शब्द की बनकर नहीं देखते पे तो हो सकता है शब्द की जे अमृत बाणी मन वसाए अमृत अमृत पावनिया त्रैवो अमृत स्वरूप वखरे ने, एक जो अमृत का तत्ता सी हरी वाला है एक मुक्त है एक औंकड़ वाला है, उस टाइम से सानू अखा खोलनिया पैनगियां या कन जे जो किसी गल सुननी है तो कल कन खुलने, लेकिन जो अंदर प्रोसैस करना है ना कोई चीज़ नू याद करना है फिर बाहर के दरवाजे बंद कर दो ता फिर तुहानू याद आ जाए फिर तुसी बाहर उन्हों अखा या कन्ना दे मुँह दे राही जिहड़ा उन्हों प्रगट कर देंदे। इट विल डिपेंड अपॉन द ऑपरेशन दैट यू आर इन टू। केड़ी मत ओ साडे हाथ च, चंगी मत जां भैड़ी मत, चंगे पासे ध्यान लगाया चंगी मत, माड़े पासे ध्यान लगाया माड़ी मत, एक शक्ति पाई है साडे अंदर है ध्यान दी शक्ति, वी ध्यान सानू शक्ति है साडे अंदर ते विचार वाली भी शक्ति है साडे नूं, इसलिए कहंदे ने कहंदे ए मन शक्ति, एक शक्ति है साडे अंदर, किथे ध्यान लगाना ए साडे हाथ विच है, चंगे गुरु दे दस्से उपदेशां च ध्यान लगा गुरु दी मत प्राप्त होएगी, कोई होर दुनियावी ग्रंथां दे विच दुनियावी की कहंदे जिहड़ी सिक्ख्यावां विच ध्यान लगा उहनां दी सिक्ख्या उस नूं गुरबाणी दूजे पाए आखदी है, दूजे पाए दी मत प्राप्त होएगी, शक्ति पई है ध्यान लाने की, ध्यान कितने लगाना यह साडे हाथ च, बट जिथे ध्यान लग गया उहदी वत्त सानू मिलेगी ही मिलेगी, जिथे ते अगर शब्द विच ध्यान लावांगे तो शब्द की मत मिलेगी, साडा जीवन शब्द के अकॉर्डिंग हुंदा जाएगा, साडे विचार शब्द के अकॉर्डिंग हुंदे जाणगे, किसी होर विचारधारा ते असीं ध्यान लगाया वह होर विचारधारा दे सानू ओवले मिलते जाएंगे ख्याल, उहदे अकॉर्डिंगली असीं एक्ट करते जावे तो असं जिन्होंने गुरबाणी कहती है करम धर्म पखंड, वो साढ़े उन्होंने धर्मां के करम बन जाएंगे, जिन्होंने गुरबाणी पखंड लगती वह भी होएगा। इस शक्ति की असी मिसयूज भी कर सकते हैं तो इस शक्ति का असी चंगा उपयोग भी कर सकते, ये साडे हाथ है, ये शक्ति है ध्यान लाने की, ध्यान का असी चंगा उपयोग करना कि माड़ा उपयोग करना ये साडे हाथ है। हाँ जी धन्यवाद वीर जी, अज इत सारे तो इजाजत लेंदे हैं, समा भी अज फालतू थोड़ा लग गया उस चीज की माफी चाहते हैं सारे तो हुई बेहद भुलां दी किमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह जी, फतेह जी।